22 जनवरी को देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसके लिए सभी देशवासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इस दिन के लिए बड़े नामों को न्योता भी भेजा गया है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले टीवी के राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या नगरी पहुंच गए हैं। जी हां, टीवी सीरियल रामायण में श्री राम के किरदार में नजर आए अरुण गोविंद, माता सीता के किरदार में नजर आए दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण के रोल में दिखे सुनील लहरी ने रामनगरी अयोध्या में प्रस्थान कर लिया है। इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। इस वीडियो में सीता माँ यानी दीपिका लाल साड़ी पहने माथे पर बिंदी लगाए नजर आ रही है, तो वहीं राम लक्ष्मण यानी अरुण गोयल और सुनील लहरी भी पीले कुर्ते पजामे में नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनके आसपास काफी भीड़ नजर आ रही है। तीनों स्टार्स पूरी भीड़ के साथ कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पीछे चल रहे लोग झंडे लिए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो पर यूजर्स भी जय श्री राम के कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में सुनील लहरी कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं भेजा गया है और वो इससे नाराज भी चल रहे थे, लेकिन अब ये वीडियो देखकर उनके फैंस भी काफी खुश हो गए हैं। एक बार फिर दर्शकों को कई सालों बाद टीवी सीरियल रामायण के राम, सीता और लक्ष्मण देखने को मिले हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए टीवी जगत से लेकर बॉलीवुड और राजनीतिक जगत के कई बड़े नामों को न्योता भेजा गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर हेमा मालिनी, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, बिंदु दारा सिंह, अक्षय कुमार, आमिर खान, आयुष्मान खुराना समेत कई बॉलीवुड स्टार्स के नाम शामिल हैं।